पत्रकारों के लिए सरकारी अस्पतालों में खुलेंगे अलग काउंटर। यू प्रतिनिधि मंडल ने की उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पत्रकारों की सुविधा के लिए अलग से काउंटर खोले जाएंगे। जिला अस्पतालों में खुलने वाले इन काउंटरों से पत्रकारों को दवा देने व अन्य काम किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान यह ऐलान करते हुए कहा कि पत्रकारों के इलाज संबंधी किसी भी दिक्कत को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार तत्पर है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकारी अस्पतालों में पत्रकारों को पर्चा व दवा वितरण आदि के लिए अलग के काउंटर खोले जाएंगे। यूपीडब्ल्यूजेयू अध्यक्ष बी सिंह के नेतृत्व में श्री पाठक से मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें पत्रकारों की मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के निराकरण की मांग की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों की आवास संबंधी समस्या का हल निकाला जाएगा। इसके लिए उन्होंने समिति बनाकर सरकारी आवासीय योजनाओं में भूखंड देने अथवा तैयार मकानों को हायर परचेज सिस्टम से देने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में मीडिया का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है और उसी अनुपात में उनके लिए सुविधाओं की जरूरत है, जिसके सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सौंपे ज्ञापन में यूपीडब्ल्यूजेयू ने यूपी में पत्रकारों के लिए पेंशन की सुविधा जल्द से जल्द शुरू करवाने, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, पत्रकारों के उत्पीड़न व उनकी समस्याओं को लेकर राज्य व जिला स्तर पर स्थायी समितियों को क्रियाशील करते हुए सक्रिय ट्रेड यूनियन के सदस्यों व वरिष्ठ पत्रकारों को उनका सदस्य मनोनीत किए जाने और राज्य मुख्यालय की भांति जिला व तहसील स्तर पर भी पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड जारी करते हुए उन्हें चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग की है। यूपीडब्ल्यूजेयू ने सभी जिला चिकित्सालयों में पत्रकारों को दवा का वितरण करने के लिए व पर्चा बनने के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल आई एफडब्ल्यूजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने SGPGI की तर्ज पर GMU व लोहिया संस्थान में पत्रकारों के निशुल्क इलाज की व्यवस्था की व पत्रकारों मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त की आकस्मिक मृत्यु की दशा में उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था करने की मांग उठाई। TB सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य मान्यता समिति का पुनर्गठन किए जाने व इसमें वास्तविक रूप से पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं के सदस्यों को नामित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को आवास संबंधी दिक्कतों को देखते हुए राजधानी व सभी जिलों में रियायती दरों पर आवास अथवा भूखंड उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों की मांगों को शासन के समक्ष रखने व उनके उचित हल का आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर समस्या का हल निकालने का प्रयास करेगी। यूपीडब्ल्यूजेयू प्रतिनिधि मंडल में संगठन सचिव अजय त्रिवेदी, वरिष्ठ सचिव उत्कर्ष सिन्हा, प्रदेश सचिव राजेश मिश्रा व पी सिंह, लखनऊ मंडल अध्यक्ष एंथनी सिंह, IFWJ राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कलहंस, वरिष्ठ पत्रकार सुनील दिवाकर सहित अन्य शामिल रहे। स्टेट मीडिया न्यूज लखनऊ। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी से मिला। श्री पाठक जी के पास स्वास्थ्य विभाग भी है। श्री TB सिंह जो यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन UPWJU के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग गए थे वहाँ। हमारी बहुत दिनों से मांग थी कि जिलों के जो अस्पताल होते हैं, करीब 1.5-2 दशक पहले एक व्यवस्था थी कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि होते हैं उनके लिए अलग काउंटर होता है, विधायक सांसद इनके लिए, वैसे पहले पत्रकारों के लिए भी जिला अस्पताल में काउंटर हुआ करते थे अलग से। तो हमारी मांग थी कि इस तरह से काउंटर की व्यवस्था फिर से शुरू की जाए, और मुझे प्रसन्नता है कि TB सिंह और साथियों की मांग को डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे प्रदेश में इस बात के आदेश चले जाएंगे कि अलग से काउंटर बने, जिससे पत्रकारों को चिकित्सा प्राप्त करने में सुविधा मिले। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी बात हुई, जैसे पत्रकारों की आवासीय समस्या एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं, महानगर हैं, साथ में राजधानी लखनऊ,
उन्होंने एक परामर्श दिया है कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें एक हाउसिंग सोसाइटी बना करके उनको प्रायोरिटी पर कोई जगह दी जाए और उसमें पत्रकारों के अपने खुद के मकान हो जाएं और उनको जो मकान सोसाइटी में दिए जाएं उसके लिए किस्त बांध दी जाए, मतलब एकमुश्त देने की स्थिति में ज़्यादातर पत्रकार नहीं होते हैं तो अगर किस्तवार उनको पेमेंट करना होगा तो बहुत सुविधा रहेगी। और भी कई इशूज़ हैं। एक बहुत अच्छी मुलाकात हुई, तो मैं तो IFWJ के वाइस प्रेसिडेंट के नाते UPWJU और TB सिंह की पूरी टीम को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पूरे प्रदेश के हर पत्रकार के लिए, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो चाहे वो गैर मान्यता प्राप्त हो, उसके लिए इस तरह की सुविधा बहाल कराना वर्षों बाद, ये अपने आप में एक बड़ी पहल है, एक बड़ा फैसला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को। ये उन्होंने कल ही इस विषय में अपने मातहत अधिकारियों से बात की है और उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द इस संबंध में आदेश जारी हो जाएगा।